नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। लंबी छुट्टी पर गए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक छुट्टी से लौटकर फिर से विभाग की जिम्मेदारी लेंगे और अपने अनोखे अंदाज में ही तरह तरह का फरमान जारी करने का सिलसिला फिर शुरू करेंगे। या शिक्षा विभाग के ACS पद से उनकी छुट्टी हो गई है, या कहना तो फिल वक्त मुश्किल है, लेकिन उनके छुट्टी पर जाते ही बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा तुगलकी फरमान जारी किए जाने का सिलसिला तो बंद हो ही गया है। शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद से मुख्यमंत्री सचिवालय में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ के पाठक के उन आदेशों को भी बदलने लगे हैं जिससे बच्चों सहित शिक्षकों को परेशानी हो रही थी। ACS का पद संभाल रहे एस सिद्धार्थ द्वारा जारी नए आदेश में कहा गया है कि विद्यालयों से बच्चों का नाम तभी काटा जाएगा जब उसका एड्रेस बदला जाएगा। अन्य किसी कारणवश नामांकन पंजी से बच्चे का नाम हटाने से पहले प्रधान शिक्षकों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। जारी आदेश में यह कहा गया है कि किसी कारणवश यदि बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं आते हैं तो उनका नाम नहीं काटा जाए। 3 दिनों तक लगातार स्कूल नहीं आने की स्थिति में प्राचार्य को बच्चों के अभिभावक से संपर्क कर उसका कारण जानते हुए बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करना होगा। जबकि के पाठक द्वारा पिछले साल उन सभी बच्चों के नाम स्कूल से काटने के आदेश दिए गए थे जो नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रहे थे। शिक्षा विभाग के इस आदेश के कारण लाखों बच्चों के नाम स्कूल से काट दिए गए थे। इस तरह के आदेश को लेकर प्रदेश भर में काफी विवाद हुआ था। बदली हुई परिस्थिति में स्थिति यह है कि शिक्षा विभाग के ACS का प्रभार संभाल रहे एस सिद्धार्थ राज्यपाल की बैठक में शामिल होने लगे हैं और विश्वविद्यालय के कर्मियों का वेतन जारी होने की स्थिति भी बनने लगी है। 3 दिन पहले हीट वेव को देखते हुए बच्चों सहित शिक्षकों को छुट्टी देने के निर्णय की सभी प्रशंसा भी कर रहे हैं। संभावित कार्रवाई के भय से शिक्षक गण के पाठक की आलोचना तो कैमरे के सामने आकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह रहे हैं कि एस सिद्धार्थ द्वारा ACS का प्रभार लेने के बाद से उन लोगों की बेचैनी कम हुई है। बिना किसी विवाद के फैसला लेकर एस सिद्धार्थ यह बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षकों सहित विभाग के लोगों से सहूलियत के साथ काम लिया जा सकता है। एस सिद्धार्थ ने ACS का प्रभार लेने के बाद 2 दिन पहले हीट वेव को देखते हुए न केवल बच्चों बल्कि शिक्षकों को भी छुट्टी देने का निर्णय लिया। इतना ही नहीं, हीट वेव के कारण नई शिक्षकों को राहत देते हुए ट्रेनिंग की तारीख को भी आगे बढ़ा दिया। अब 20 जून तक शिक्षकों के ट्रेनिंग कार्यक्रम को टाल दिया गया है। कैमरे के सामने आने से परहेज कर रहे शिक्षकों का कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि के पाठक की सख्ती के कारण शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन वह विभागीय व्यवस्था को दुरुस्त करने से अधिक शिक्षकों को प्रताड़ित करने की मंशा रखते हैं। CM नीतीश कुमार ने उनकी मंशा को शायद भांप लिया है, जिसके कारण आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें लंबी छुट्टी पर भेजकर शिक्षकों सहित विभाग से जुड़े तमाम लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। विभाग में आए रामराज का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अब तक राज्यपाल की बैठक में शामिल होने से बचते रहे ACS के पाठक का प्रभार लेते ही एस सिद्धार्थ राज्यपाल की बैठक में शामिल हुए और उसका सकारात्मक परिणाम सामने भी आया। दरअसल शिक्षा विभाग के ACS का प्रभार संभाल रहे एस सिद्धार्थ कल बुधवार को राज्यपाल की बैठक में शामिल हुए। उसके बाद विश्वविद्यालय के खातों पर रोक लगाने के आदेश को भी शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया। इस तरह विश्वविद्यालय के कर्मियों का वेतन जारी करने को लेकर रास्ता साफ हो गया है। कल बुधवार को राज्यपाल के साथ हुई बैठक के बाद मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया तथा मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर सहित कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति वेतन निकासी पर लगी रोक को हटा लिया गया है। इसके पहले मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया तथा मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर के PL खाता सभी खातों के संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई थी। हद तो यह है कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति के वेतन निकासी पर भी रोक लगाई गई थी। वैसे हाईकोर्ट ने भी बीते माह विश्वविद्यालय के खातों पर लगाई गई रोक को खत्म कर दो सप्ताह में स्वीकृत बजट जारी करने को लेकर शिक्षा विभाग के नाम आदेश जारी किया था। बावजूद इसके यह मामला लंबित था। CM नीतीश कुमार सहित राज्यपाल के आदेश को भी रद्दी की टोकरी में फेंक कर के पाठक आखिर क्या साबित करना चाह रहे थे, या तो शासक प्रशासक ही जाने।
लेकिन इतना तय है कि के पाठक की लंबी छुट्टी पर जाते ही विभाग में टकराव की स्थिति धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ के राज में शिक्षक गण आराम से ड्यूटी करने का सपना संजोने लगे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एस सिद्धार्थ द्वारा जारी कई नए आदेश से अब विभागीय पदाधिकारियों के साथ साथ शिक्षक गण भी राहत की सांस लेने लगे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।